तो गाइस आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। 11 बज चुके हैं, मैं आसीवाड़े मकान में पहुंची हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी आसीवाड़े मकान का मेरा क्या हाल कर रखा, क्या नहीं कर रखा। और ये सब देख कर आपने सोच लिया मेरे वचन के हालात थे कि नहीं। फिर मैं जो लोग ना जोड़ कर जो जवाब दे रखे ना उनका जवाब भी दूंगी। तो उरा तसरू देख लो, सारी स्कूटी मोस रखी है। 2 दिन पहले लोग मैंने देखा होगा भाई, सारी स्कूटी 2000 रुपये वो करवा कर ना टेक करवाई थी। ये सारा सामान इधर, ये अंदर देख लो सारा गिलास गुलूस सब क्यों पड़ा के बैठ के चादर वगैरह सब कुछ। तो मैं फ्रिज में मैंने अभी ये सामान निकाला फ्रिज का, तो फ्रिज करना है एक बार बंद। तो फ्रिज ये देख सारे डेंट आ रहे फ्रिज में, सारा नोस रखा है। और इस कमरा में देख लो आप, खुद देखो एक बार क्या हाल हो रहा है इस कमरा का। ये अलमारी देख लो सारा देख के बताओ, देख लो और नीचे तक सब कुछ खिंडा पड़ा है। अलमारी सिद्धि करने के बाद देखूंगी अलमारियाँ की हालत है ठीक या नहीं है, यह देख लो आप। उसके बावजूद लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं गोलू को चंडीगढ़ बुलाया था, गोलू चंडीगढ़ नहीं आया। गोलू ने कहा था लोडी पगया जी चाचू जी, मैं 9 तारीख को मेरा लास्ट पेपर देगा, 10 तारीख को आपके पास चंडीगढ़ आ जाऊँगा। गोलू चंडीगढ़ 10 तारीख को पहुँच गया था ठीक है। चंडीगढ़ जाने के बाद गोलू 5-6 दिन रहा, उसके बाद गोलू को ना ये कह कर बोल दिया घर चला जा। किसने कहा? लक्ष्य ने ये बोला गोलू घर चला जा, चीकू के पापा का फोन आया बोला गोलू को निकाल लो यहाँ से ठीक है। 2000 रुपये दिए थे लक्ष्य ने इसको, वे देकर ना रियो ना, बल्कि रात में इसका फोन आया ना बोला मम्मी मैं चल पड़ूँगा। मैं बोली ये बात हो बेटा ना, बोला नहीं कुछ बात नहीं। मैं बोली बेटा रात ना चाह रही सुबह आ जाइए। तो जब गोलू सुबह घर आ गया था, यानी कहीं चंडीगढ़ नहीं भेज रहे। दूसरी बात जो उन्होंने कहा ना मम्मी ने मेरे गोड्डे में दम तोड़ा था, तो वह बात ना एक बार दिमाग तर सोच कर बता मम्मी ने दम तोड़ा जी तू कित था और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर तू कब है मैंने कौन कह दी तेना मेरा कौन नहीं कराया कराया है। यह बात मैंने 1 साल पहले बोली थी जीप तो तेरी बेटे चिड़ गई थी भाई, तू संदीप के बारे में लुक बोला उसने मेरा कराया। यह बात मैं आज नहीं हमेशा कहूंगी तेना मेरा कराया है। फिर यह बात तो संदीप मैं कहूंगी जी, तू इसमें मेरा टूट समझ ले जी, मेरा घमंड समझ ले कुछ समझ ले। तू कब का 1 मिनट मनु कह दे हाँ थारा यो करे। और दूसरी बात गोलू क्या कहा मेरे फोन नहीं उठाई, मैसेज किया था जो फोन दो तो हमने देखे हैं इसके पापा की जेब में थे। तो कहना गोलू ने फोन उठाया, गोलू द्वारा 4 दिन तो हमारे पास फोन ही नहीं था। ये दूसरा नंबर मैंने ना जी सही लड़ाई कर रखी थी ना, मैंने किसी का फोन लिया था उसमें नंबर डाला उसमें हमने व्हाट्सअप वो करा भाई, बाई चांस हमने थार पर गया द्वारा फोन मिलाना पड़ जाए या किसी और फोन मिलाना पड़ जाए, जी हमने दूसरी सिम किसी दूसरे के फोन में डाल ली थी। अनुकार ना मैसेज आने के बाद कोई फोन नहीं आया। संदीप ने पूछ, संदीप ने बात करी थी कि नहीं? संदीप ने क्या कहा? हाँ भाभी की तो मैं बोली भाई जरा अभी हूँ ना उठा मैं चली गई हूँ। नुबला क्या बात होगी फिर पीली मैं तन बेरा को इस बात का, इसका अंडे जो पी हुआ है जो। तो नुबला मैं कहीं बैठा हूँ बाद में फोन करता। उसके बाद संदीप ने बताया मेरे पास कब फोन किया ठीक है, उसके बाद बताओ कब फोन करा। उसके बाद रात ना फोन हमारा बंद हो गया था क्योंकि ना हमारे पास चार्जर था ना कुछ और था, हम किसी के घर थोड़ी थे भाई हम जाकर उनका चार्जर लगा ले। तो सुबह राम ना चार्जिंग किसी का मांग का फोन चार्जिंग लगाया, उस पर मैंने मैसेज देखे भाई ये उसका नंबर है, ये चीज ले लियो वो चीज ले लियो, जो उसने रिकॉर्डिंग भेज रखी थी वो मैंने सारी सुनी थी। उस इसका पापा की थी 30 मिस कॉल। जब फोन में चार्जिंग नहीं होगा तो फोन बंद होगा, फोन चल रहा किस तरह था, हम लोग का फोन नहीं उठा फोन नहीं उठा। और गोलू पहले ना तो संदीप तक पूछिए मैंने फोन उठाया था कि नहीं उठाया था, संदीप तक बात हुई थी नहीं, संदीप ने की कही थी कहीं बैठा हूँ थोड़ी देर में बात करता हूँ। उसके बाद फोन रात ने हमारा 1 बजे बंद होया है, 1 बजे लगा हूँ किसी के आंगन में बैठे थे ठीक है। एटीट्यूड जब तक मैंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मैं सुन दी रही तो थी मैं शरीर ईद, जब मैंने एक आधी बात का जवाब दे दिया तो भाभी में आ गया एटीट्यूड। मेरे में किस चीज़ का होगा, मेरे पल्ला के है जो मैं जिस चीज़ का घमंड करूँगी एटीट्यूड करूँगी ठीक है। तो मैं आज सामान ठान लग रही हूँ अपना, अगर इस सामान का कतर भी किसी का मन में कोई गिला है सिकवा हक भाई मेरा सामान उठा लिया क्यों उठा लिया, तो वह बात भी आप बता दियो। आप जिसका जो सामान होगा जो उनको गानी या चीज मेरी थी मैं वापस आशी दरवा दूंगी ठीक है। बाकी मैंने एक एक चीज बड़ी मेहनत जोड़ रखी है, एक एक चीज बड़ी मेहनत जोड़ रखी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना ही कहूंगी। अगर ईद भी किसी ने वो है और जो सामान मैं उधर छोड़ कर जाऊंगी उसकी वीडियो बना कर भी थार दौर भेज दूंगी, उस सामान में ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी भाई मैंने केक के छोड़ा है। बाकी मैं ना थार दौर वीडियो बना कर भेज दूंगी भाई थार घर में ये सामान है। और
घर है जो कुछ संभालना संभाल लो। बस मां जोड़कर यह रिक्वेस्ट करूंगा था हम इतने साफ बनो ना भाई पब्लिक आगे हमने साफ बनकर दिखा दिया भाभी मैं टूट है फलाना है दखड़ा है पब्लिक मेरे को गाड़ी दिया गाड़ी तो मैंने कई दिन की देने लग रही है पब्लिक गाड़ी तो बहुत दिन देने लग रही है हम मैं कालू ने सिखाऊ हूँ जित कालू लड़ाई करे मैंने आज लगना तो थारा कालू सिखाया मैंने कोई नहीं सिखाया ठीक है मैंने जो बात कहनी है ना मैं मुंह पर कह दू थारे रानू को नहीं उसका आगे मेरी कह दी उसका आगे मेरी कह दी फिर सबने मिलकर मेरे तेन कह दी अगर हमने यह बात कही को नहीं मैं फिर भी यही चाहूँ जो पिछले राज है राज रहने दो के को हमारे घर का नाश कर दिया नाश करने वाले तो ना कदे के करके जा लिए थे सब कुछ ले देकर ना बहुत कुछ लेकर गए उनका तो नाम बिल्कुल साफ है वे बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ मैंने 20 साल गरीबी माँ मेरी माँ मार खा कर ना भाई इधर सामने नहीं बोल कर ना मैंने जो काटे ना तो मैं गलत हूँ ठीक है तो मैं बस इतना ही कहूँगी भाई इतना टॉर्चर ना करो जिस तरह मैंने कुछ में और बोलना पड़ जा और फिर कल ना वही गलत फहमी हो बहुत कुछ होगा। और एक बात और बोलूँगी एक 20,000 रुपया की बात थी सपना ने बोली थी 20,000 रुपया मैं देने गई थी अगर उन 20,000 रुपया का जमा बड़ी आला वो पूछना ना भाई 20,000 रुपया तू देकर गई थी उनका क्या हुआ था तो फोन कर लियो भी 20,000 रुपया मैं नहीं बताऊँगी ब्लॉक में क्योंकि फिर भी मैं चाहूँ भाई वो बेचती नहीं हो हैदराबाद रहा करते संदीप और उन 20,000 रुपया हम तो केक के मंगवाया था मैं बताऊँगी और पूछ लियो ठीक है पूछ लियो बस आप या तो जवाब दो ना या लो ना पब्लिक का सामना मैं बुरी कर दी कोई बात ना मैं बुरी हूँ मेरे में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है घमंड है अगर इतना घमंड होता ना जिस तरह लोग पहले ले ले का सब की में गए ना रपिया ले टूंग ले सब कुछ तो कदे के हम भी जा सकते फिर मेरे घर का नया शिक्षा कर दी आज का दिन भी मेरे घर का नया शिक्षा नहीं दी थी भाई तू यो कदम उठाइए क्यों उठाया ये कदम ना तो मेरे में इतनी हिम्मत मैं रोज रोज मार खाई जाऊँ भाई दूसरी बात मैं मेरे बालका ने पिटता हुआ नहीं देख सकती नहीं देख सकती नहीं देख सकती अगर किसी माँ में इतनी हिम्मत है जो आपके बालका ने पिटवा सका है गाड़ी दिवा सका है तो वह बर्दाश्त कर सका भी मेरे पतल भी हो ठीक है बस मैं इतना ही कहूँगी आगे का अगर कोई किसी ने जवाब लेना हो सुनना हो तो कमेंट जरूर करना मैं आगे भी बताऊँगी।